गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरबीआई, नाबार्ड और एसबीआई तीनों की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। तो शुरू करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर से। तो आज के दिन का पहला करंट अफेयर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य के तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसरो ने अपना सेकंड लॉन्च पैड स्थापित करने की घोषणा कर दी है, वो है तमिलनाडु। उसका बजट होगा 2300 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप कितने साइंटिस्ट को प्रोवाइड करी है, वो करी है 14 साइंटिस्ट को। उमराव सिस्को एम्बलो हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, कौन से वेस्ट अफ्रीकन स्टेट का उमराव सिस्को एम्बलो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया है, तो वो है गिनी बिसाओ। नेशनल ग्रीन कॉप स्कीम जो कि कुछ सालों पहले बंद हो गई थी, उसको वापस रिवाइव कर लिया है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने, उसका ग्रांट एड किया है 2.6 करोड़। नेपाल का प्रेसिडेंट, उनका नाम बताइए, जिन्होंने विजिट नेपाल ईयर 2020 कैंपेन लॉन्च किया है अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए, वो है विद्या देवी भंडारी। डैश has launched the PPRTMS in 1st January 2019. PPRTMS का full form है Political Parties Registration Tracking Management System. तो ये किसने launch किया है? वो launch किया है Election Commission of India ने। जो भी new parties है, इसका main purpose होगा new parties के registration के status को track करने के लिए। Money App नाम का mobile app किसके द्वारा launch किया गया है, जो कि visually challenged persons के लिए helpful रहेगा no detection के लिए, वो किया गया है RBI के द्वारा। 31 जनवरी को किस ministry ने announce किया है कि सोइंग एरिया राबी क्रॉप का इंक्रीज हुआ है 36 लाख हेक्टर से, वो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। सेंड एट द डोरस्टेप फ्रॉम जनवरी 2, 2020। कौन से राज्य की सरकार ने 2 जनवरी 2020 से दरवाजे पर रेत पहुंचाने की योजना बनाई है, तो वो बनाई है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये प्लान कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेरिमेंटल बेसिस आधार पर स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हर महीना 15 लाख टन सैंड हर महीना रखी जाएगी। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास NTCAA रेजोल्यूशन, कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है देश का जिसने की NTCAA रेजोल्यूशन पास किया है, वो बन गया है केरला राज्य। डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन द रीफ ब्लीचिंग टॉक्सिक सनस्क्रीन, रीफ ब्लीचिंग टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंधन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, वो बन गया है पलाऊ। वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन सरपास्ड टू हाउ मच अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ रिपोर्ट, बच्चों के खिलाफ हिंसा कितना को पार कर गया है यूनिसेफ की रिपोर्ट के द्वारा, वो कर गया है 1,70,000। यूनिसेफ ने लास्ट डिकेड को डेडली डिकेड घोषित किया है। 27th edition of the National Children's Science Congress 2019 was held in Thiruvananthapuram in Dash from 27 to 31. National Science Congress कौन से राज्य में हुआ है 27 से 31 दिसंबर में, वो हुआ है केरला राज्य में। तो थीम था इसका Science, Technology and Innovation for a Green, Clean, Green and Healthy Nation. एडिटर इन चीफ ऑफ जार्गन कौन है जिनको की नवाजा गया है लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से, वो है संजय गुप्ता। यह अवार्ड केसरी मराठा ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है। IMS और SMU हॉस्पिटल कौन सी श्रेणी के कॉलेज हैं जिनको कॉलेज ऑफ द ईयर एंड सिक्स सिग्मा हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है 2019 के, वो है मेडिकल कॉलेजेस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर के द्वारा यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। लॉन बॉल साइकिलिंग कौन से आने वाले खेलों में ऐड किया गया है, वो किया गया है खेलो इंडिया गेम्स में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वें बर्थ एनिवर्सरी पे कौन से साल को ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ घोषित किया गया है, वो किया गया है 2020। शी वाज आल्सो कॉल्ड, उनको और ये भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लेडी विद द लैम्प। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पे लॉन्च किया गया है, वो किया गया है बेंगलुरु में। थीम क्या रखा इसका, इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा थिंक टैंक है जिसने मॉडल के बेसिस पे एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप कराने के लिए, वो है नीति आयोग। गुरु गोविंद जी की बर्थ एनिवर्सरी की डेट क्या है, बर्थ एनिवर्सरी की डेट है 2 जनवरी। पीएम मोदी DRDO की कितनी प्रयोगशालाओं को देश को समर्पित करेंगे, वो करेंगे 5 DRDO लैबोरेटरीज को। WESL और किसने एक MOU साइन किया है जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट किया जाएगा बाय सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किया है WESL और HPCL ने। डिसाइंग विन कौन से देश के राष्ट्रपति है जिन्होंने कहा है कि वो ताइवान के लिए वन कंट्री टू स्टेट पॉलिटिकल फॉर्मूला नहीं मानेंगे, वो किया गया है ताइवान के राष्ट्रपति द्वारा। हु हैज विन द ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019, पीयूष जायसवाल ने ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता। कौन से राज्य के माउंटेनियर मलावत
अन्नपूर्णा है जिन्होंने की अटलांटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन मैसिव पे चढ़ाई की, वो है तेलंगाना की माउंटेनियर। थैंक यू दोस्तों, इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए हमें प्रिपेयर फास्ट यूट्यूब चैनल पे।